हेलो गाइस वेलकम बैक दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हैं डू यू हैब यहाँ पर हम टेंथ क्लास बायोलॉजी का एक आ, एक चैप्टर करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग वर्ड यूज नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर दिस इज द मोस्ट अवेटेड चैप्टर और जो है वो हैगे है नहीं तो यहाँ पर हम अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर और आगे बढ़ने से पहले शुरू करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि इस जो भी यहाँ पर आज नोट्स क्रिएट होगा ये सब का सब आपको फ्रीली अवेलेबल है हमारे एडियो एप की ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर भाई साहब तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और इसके आगे यहाँ पर क्या आना चाहिए यहां पर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क ठीक है तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता गया है वट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है ना देखो यहां पर वर्ड क्या है रीप्रोड्यूस तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को वापस प्रोड्यूस करता है, है ना तो उसी प्रोडक्शन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं राइट सो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड ये बहुत जरूरी है ऑफ देयर ओन काइंड है ना मतलब जरूरी है कि हाथी का बच्चा हाथी ही हो है ना इंसान का बच्चा इंसान ही हो वही है रिप्रोडक्शन ओके okay? और ये जरूरी क्यों है तो यहाँ पर इसी मैंने जो भी बोला उसी में उसका आंसर है कि हाथी चाहता है कि उसका बच्चा हाथी हो और हाथी की हाथी का जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती रहे सो इट इज़ वेरी वाइट इज सिग्निफिकेंट वाइट इज इंपॉर्टेंट इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज आप यहाँ पर देखते जाओ होता क्या जा रहा है इधर कि सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कोर्स इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑफ देयर ओन काइंड राइट वाईट इज नेरी इट इज नेसेसरी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज कोई भी uh, जो जीव है वो चाहता है कि उसके उसकी प्रजाति जो है वो आगे भी फलती फूलती रहे है ना वो हमेशा उस स्पीशीज uh, का बढ़ोतरी चाहता है तो ये उसी के कारण भाई दिस इज इम्पोर्टेंट और उसके बाद बात करते हैं भाई इसके टाइप्स की तो दो मेजर टाइप्स हैं वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अदर इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाउ वेन यू टॉक अबाउट ए रिप्रोडक्शन तो भाई सिंगल पेरेंट से यहां पर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होंगे मेल और फीमेल है ना तो यहां पर कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे जयगोड बनेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उधर पे इधर पे बहुत ही बेसिक होता है ये है ना फॉर लोअर ऑर्गेनिजम्स तो ये काम चल जाता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व देर टू पेरेंट इन्वॉल्व नेमली मेल एंड फीमेल है ना आगे देखते हैं अब एक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं फर्दर uh, टाइप्स की बात करूं तो मतलब हाई लेवल पे हम पहले वो टाइप्स देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले इसमें आता है फिजन अब फिजन में भी दो होता है फिजन मतलब क्या जा? ये ये ना यूनिसेलर के लिए होता है याद रखना दिस इज फॉर दिस इज इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम फिजन इसमें भी दो होता है एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन राइट तो बाइनरी फिजन में होता क्या है कि वन टू टू एक ऑर्गेनिज्म दो को प्रोड्यूस करेगा मतलब एक डिवाइड होगा इनटू टू एक सेल डिवाइड होगा इनटू टू जैसे अमीबा में पैरामीशियम में होता है है ना तो दैट इज बाइनरी बाय मतलब टू होता है मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट जो है वो मेनी मतलब मोर देन टू भी रहेगा तब भी वो मल्टीपल में आ जाएगा वैसे तो ठीक है या वो हो गया multiple fission. Example आगे देखेंगे का so, का मतलब word का मतलब होता है टूटना दिस इज फॉर यूनिसेर आगे चलते हैं इसका डिटेलिंग बताऊंगा आगे ओके सो नेक्स्ट इज बडिंग आपको बड पता है बड जैसे फूलों की कली होती है छोटा सा बड निकलता है और फिर वो फूल में डेवलप होता है वैसे ही कुछ के केस में जैसे अपने हाइड्रा के केस में हाइड्रा नाइन में पढ़ा होगा अगर नहीं भी पढ़ा है तो आगे अपन देखेंगे हाइड्रा के के केस में क्या होता है छोटा सा एलिवेशन जो है वो निकलता है जैसे मान लो पेड़ की तरह स्ट्रक्चर रहता है वो

देखो फिशन जो है वो यूनिसेलर के केस के लिए हमने बताया फ्रेगमेंटेशन इज नॉट फॉर यूनिसेलर ठीक है और मल्टी uh, जब फ्रेगमेंट होते हैं ब्रेक हो जाते हैं तो फिर वो जो भी ब्रेक हुए हैं वो सब पार्ट जो है नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं ठीक है एग्जाम्पल इज यो स्पाइरो सब चीजें हम आगे देखने और डायग्राम है डोंट वरी रीजनरेशन प्लेनेरिया जो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया वाले में क्या होता है उसका बॉडी ब्रेक हो गया टूट गया जस्ट लाइक फ्रेगमेंटेशन थोड़ा फर्क है इसमें ठीक है तो मिस्ड बॉडी पार्ट्स अगर हो गए है ना टूट गया तो फिर वो क्या कर सकता है रीजनरेट कर सकता है अपने वो बॉडी पार्ट्स को तो वो रीजनरेशन में आता है जैसे आपने आ, एक कुछ हद तक रीजनरेशन तो लिजर्ड में भी होता है ना चिपकली में उसका टेल अगर कट भी जाए तो वापस से वो ग्रो हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये प्लांट्स के, के केस में है वेजिटेटिव वाले में नेचुरल वाला भी होगा और आर्टिफिशियल वाला भी होगा ठीक है मूविंग टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्लांट्स को भी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में ठीक है और ह्यूमन को भी यहां पर पढ़ा जाएगा नाउ लेट स्टार्ट विथ दी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब हम शुरू करते हैं विद दी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो भी हमने यहां पर टाइप्स बताए हैं तो थोड़ा सा डायग्राम के साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सो so, फिजन में जैसा मैंने बोला कि भाई इसमें दो आते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन तो फिजन का जो एक बाइनरी फिजन वाला एग्जाम्पल है देखो इसमें क्या होता है वन सेल डिवाइडिंग टू टू ठीक है दिस ओनली ओनलीस इन केस ऑफ यूनिसेलर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो जैसे अब ये अमीबा है अमीबा एक यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म है ठीक है पेरेंट अमीबा आप कह लो इसको सेल इलोंगेट पहले तो देखो ये न्यूक्लियस इलांगेट हुआ ठीक है सेल डिवीजन होता भी इसी तरीके से ना पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है फिर सेल डिवीजन पूरा सेल डिवीजन होता है सो so, ये न्यूक्लियस डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड देन पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हुआ सो so, ये है पेरेंट अमीबा उसके बाद इलांगेशन ऑफ दैट न्यूक्लियस देन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड फाइनली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म डॉटर सेल्स क्यों ऊबर ऑफ ऑफकोर्स क्योंकि वो आगे जाके वो भी रिप्रोड्यूस या उनसे भी दो नए अमीबा बनने वाले ठीक है uh, अब

पैरामिशियम यूग्लिना सब लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल में पैरामिशियम भी लिख सकते हो यूग्लिना भी लिख सकते हो इन बाइनरी अब हमारे मल्टीपल वाले पे तो मल्टीपल वाले में जैसे देखो अभी फिलहाल फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये वही प्लास्मोडियम है तो पहले क्या हुआ ये एक सेल उसका न्यूक्लियस देखो एक उसका न्यूक्लियस है पहले कितने टाइप कितने में पहले डिवाइड तो हो गया कितना सारा न्यूक्लियस बन गया पीसेस में कन्वर्ट हो गया और तब जाके वो पूरा का पूरा सेल बर्स्ट करेगा और इतने सारे नए प्लास्मोडियम क्रिएट हो जाएंगे इसलिए मलेरिया <coughs> जो है काफी तेजी से बॉडी में है ना फैल जाता है वो ब्लड uh, में जो है वो स्प्रेड होता जाएगा बिकॉज वो मल्टीपल फ्यूजन करता है इस तरीके से ठीक है अच्छा मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया प्लास्मोडियम आई वॉन्ट वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड इन दी कमेंट सेक्शन की भाई मल्टीपल फ्यूजन में एक और एग्जाम्पल आपको बताना है अदर देन प्लास्मोडियम ठीक है सो हियर फिजन इज फॉर यूनिसेलर्स दे सिंपली दैट यूनिसेल डिवाइड सेल डिवाइड और फिर वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो गया ठीक है वन टू टू रहेगा तो बाइनरी एक से दो एक जो है वो दो में डिवाइड हुआ तो बाइनरी फिजन uh, और वन टू मैनी हुआ अगर तो दैट इज मल्टीपल फिजन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमिंग टू बडिंग मैंने जैसे बताया था बडिंग ऑफ हाइड्रा तो ये देखो ये एक्वाटिक uh, एक ऑर्गेनिज्म uh, है तो पहले तो एक छोटा सा बड डेवलप हुआ देखो यहां पर ये यह ना सी बेड पे मतलब पानी के तल पे ऐसे एक प्लांट की तरह ही ऐसा खिला हुआ है देखो अब ये बड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा बड है बढ़ेगा तो बड जो है यहां पर ग्रो होने लगा और ये आउटग्रोथ जो है धीरे धीरे एक हाइड्रा में ही कन्वर्ट हो गया जैसे ही वो एक हैवी हाइड्रा हो जाएगा है ना मम्मी को हैवी लगने लगा तो वो वहां से डिटैच हो गया और अपनी जिंदगी नए हाइड्रा की तरह जीने लगा सो दिस इज वॉट दिस इज बडिंग जो हमने एग्जाम्पल देखा वो है हाइड्रा बडिंग वाला एग्जाम्पल आप एक और आ, समझ सकते हो जो आपका यीस्ट होता न, yeast. तो yeast है ना यीस्ट तो यीस्ट सेल्स भी बडिंग का प्रोसेस करते हैं एक ये समझो ये मेन सेल है यहां पर छोटा सा बड डेवलप हुआ ठीक है और एक बड डेवलप होता इस तरीके से यीस्ट जो है ग्रोथ करता है ओके मूविंग टू सो टाइनी बल्ब बम्प अपियर्स और उसके बाद फिर वही धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बड ग्रो हुआ भाई साहब देखो ब्रेड की क्या ही हालत हो गई ब्रेड के ऊपर साबुन का झाग जैसे बन गया सो इट्स बेसिकली दैट फंगस जो है वो यहां पर ग्रो हुआ है ठीक है छोटा सा स्पोर मान लो यहां पर भी बहुत सारे स्पोर्स घूम रहे होंगे बहुत ही टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं दिख नहीं रहे होंगे पर कहीं रोटी कहीं ब्रेड ऐसी कोई चीज पड़ी रह गई डीके हो रही है खराब हो रही है उसके ऊपर मस्त लैंड करेगा और मस्त उसके ऊपर ग्रो करेगा और खुद ग्रो करेगा और अपने पूरे खानदान को वहां पर ग्रो करा देगा ठीक है बहुत ज्यादा वहां पर एक पूरा कम्युनिटी फॉर्म कर देगा वहां तो ये आपका स्पोरेंजियम का अच्छा राइजोबियम इज राइजोपस इज योर एग्जाम्पल इन दिस राइजोपस है ये अब इसमें देखो स्पोरेंजियम uh, का डेवलपमेंट देखो किस तरीके से है सो स्पोर ड्रॉप हुआ स्पोर जो है वो पूरा ग्रो हो रहा है और उसके बाद जब ये बल्ब जिसके अंदर स्पोर्स हैं है ना तो वो uh, क्या करेगा जब वो मेच्योर हो जाएगा तो इट विल बर्स्ट मेच्योर हो जाएगा तो बर्स्ट होगा और उसमें से जो भी स्पोर्स है वो हवा में फिर फैल जाएंगे ताकि वो अपनी आबादी को और कहीं जाके बढ़ा सकें ठीक है so, सो ये है आपका स्पोरेंजियम इसमें आप देख सकते हो स्पोर्स उसके अंदर ही है ठीक है इसका मैंने ना एक वीडियो बनाया था प्रॉपर वो माइक्रोस्कोप यूज करके एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करके तो ये आप देखना बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें मैंने विजिबल करके दिखाया हुआ है ठीक है तो डू वॉच दैट ओके अब ये स्पोर फॉर्मेशन में इसमें हाइफा कौन सा स्ट्रक्चर है एक हाइफे नाम का स्ट्रक्चर होता है वो कहां पर है इज इट दिस वन जिसको हम हाइफे बोलते हैं या फिर ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइफे बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे वन और टू तो अभी फिलहाल अगला वाले पे जाते हैं हम दैट इज देशन देखो ये सब जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं सब क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है इसमें कोई भी दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहे हम एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और उसी के थ्रू हम ये हो रहा है अच्छा जो भी हम जितना भी ए का टाइप देख रहे हैं में पढ़ेंगे आपको ना सिर्फ ये बेसिक चीजें तो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा इसमें से क्या डिराइव करना है तो एक चीज मैं आज चाहूंगा कि आप डिराइव करोगे कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज तो आप ना एक ब्रॉड लेवल पे ये पढ़ के रखना ठीक है इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एडवांटेज या सिग्निफिकेंस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है सिग्निफिकेंस क्या है वट इज ई एडवाटेज वॉट इज ई इंपॉर्टेंस एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अब सोच के देखो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो ना तो फर्टिलाइजेशन का टेंशन ना तो मेल फीमेल का फ्यूजन का टेंशन ठीक है तो यानी कि लेस टाइम लेस एनर्जी और सो द प्रोसेस विल बी फास्ट सो एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक तो बड़ा एडवांटेज यही है कि भाई सिंस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व द प्रोसेस इज फास्ट लेस टाइम एंड लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड ठीक है इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कोई भी प्योर वैरायटी जो है उसको कंटिन्यू की जा सकती है ना प्योर वैरायटी एक ही पेरेंट्स है तो बहुत ही आइडेंटिकल कैरेक्टर्स जो है वो आ, होते रहेंगे अच्छा इसके बाद एक डिसएडवांटेज भी ये है कि ए रिप्रोडक्शन में सिंस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो अगर मान लो कि कोई क्योंकि अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स वही पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं तो अगर कोई डिसीज है या कोई डिफेक्ट है या फिर ऐसी कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जिसको वो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट उसको होना चाहिए उसकी बॉडी से तो क्या होगा कि वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा और इतनी आसानी से कोई कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर मिस आउट नहीं होगा तो कोई डिसीज uh, या कोई भी चीज़ जो है वो मिस आउट नहीं होगी इसका मतलब क्या है इस इसमें जो एक टर्म है वो है वेरिएशन सो सिंस द वेरिएशन इज लेस इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है समटाइम्स इट इज हार्मफुल नॉट गुड है ना वेरिएशन जितना ज्यादा रहेगा जितनी वेराइटी डेवलप हो पाएगी जो कि जैसे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हो पाता है सिंस टू पेरेंट आर इन्वॉल्व ठीक है डीएनए एन कॉपिंग में एरर ज्यादा होते हैं वेरिएशन ज्यादा होता है, है। यानी जो बच्चा है वो पेरेंट से काफी अलग कैरेक्टर्स कैरी करता है सो इफ द वेरिएशन इज मोर तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जो बदलते सराउंडिंग के साथ यानी एनवायरमेंट uh, में जो भी चेंजेस लगातार होते जाते हैं तो उसके हिसाब से बॉडी अडेप्ट हो पाती है तो uh, ये कब हो पाएगा जो वेरिएशन ज्यादा है वेरिएशन ज्यादा कि उसमें सेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन में यहां पर वेरिएशन इज लेस सो कितना सारा पॉइंट हमने देखा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है लेस टाइम लेस एनर्जी कंज्यूम होती है वेरिएशन इज लेस हियर वेरिएशन इज लेस का इज नॉट अ गुड पॉइंट वैसे ठीक है ना सो so, आपको इसी तरीके से हर एक केस में एडवांटेज डिसएडवांटेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप पढ़ना करना है आपको ठीक है तो जब भी मैं बता रहा हूं तो आपको सोचना है कि भाई इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है ओके एंड एक बार ये चैप्टर होने के बाद थ्रू दिस वीडियो आपको टेक्स्ट बुक एक बार रीड आउट करनी है जरूर ठीक है ओके सो so, फ्रेगमेंटेशन में जैसे मैंने बताया कि ये यूनिसलर में नहीं है ऑफ कोर्स दिस इज मल्टी इसका एग्जाम्पल है आपको पता होगा कि कोई तालाब कोई वाटर बॉडी के ऊपर ऐसा ऐसा ग्रीनिश ऐसा लेयर नहीं फॉर्म हो जाता है ठीक है तो वो जो एलगे होता है बेसिकली दैट इज एक उसी में स्पाइर वगैरा तो ये ना ऐसा समझ लो एक सब पट्टी की तरफ पतला सा ग्रीन सा खाली पत्ते जैसा लंब लंबा लंबा स्ट्रक्चर होगा और देखो ये एक एक सेल है उसके ठीक है कहीं से भी वो ऐसे ब्रेक हो गया टूट गया तो जहां से टूट गया वो जो जो पार्ट सपोज दो पार्ट में टूटा दोनों पार्ट जो है वो ग्रो करके अपना अपना मतलब दो अलग अलग स्पाइर वगैरा में डेवलप हो गए ठीक है मान लो ये था ब्रेक हुआ तो ये भी अपना एक स्पायर वगैरा बन जाएगा और दिस विल ऑल्सो बी वन, वन स्पायर वगैरा ठीक है तो जैसे अब यहां पर देख सकते हो जैसे वाटर बॉडी पे देखा ना ऐसा ग्रीन ग्रीन सा जब जो पानी यूज में नहीं है रुका हुआ पानी है तो उस पर ऐसा ये स्पायर वगैरा ग्रो हो जाता है तो आप देख सकते हो जैसे ये ब्रेक हुआ दोनों अलग अलग स्पाइर में डेवलप हो गए देन सो फ्रैगमेंटेशन वाले में आप देखो यहां पर क्या लाइन दी है फ्रैगमेंटेशन अकर वेन एन ऑर्गेनिज्म लिटरली ब्रेक्स ऑफ ठीक है वेन एन ऑर्गेनिज्म लिटरली ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम इट सेल्फ द ब्रोकन फ्रैगमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो इन टू इंडिविजुअल सेपरेट ऑर्गेनिज्म जो टूटा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो सेपरेट ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा आगे रीजनरेशन इन प्लेनेरिया हमने फ्रेगमेंटेशन देखा अब देखो फ्रेगमेंटेशन जब आपने देखा है कि वो भी वो ब्रेक होके ही बन रहा है रीजनरेशन में लगभग यही दिखेगा आपको तो so, प्लेनेरिया वाले केस में सो दिस इज द प्लेनेरिया देखा होगा आपने उसकी रूडिमेंट्री आई होती है बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कीचड़ फीचड़ में पाया जा सकता है तो ये जो प्लेनेरिया है ये जहां से ब्रेक होगा ठीक है जिधर से भी ब्रेक होगा अब मान लो ये तीन टुकड़ों में बटा तो ये फ्रेगमेंटेड पार्ट यार ये अब जितना भी हिस्सा है ये तीनों का तीनों अपना अपना मतलब स्ट्रक्चर मतलब ये तीन प्लान एरिया में कन्वर्ट हो सकता है ठीक है पूरा डेवलप हो जाए तो ये मिडिल पार्ट है ये भी ऐसे ग्रो हो जाएगा इनटू वन प्लान एरिया तो अब दिस कैन आल्सो ग्रो इनटू वन प्लान एरिया यह भी एक प्लान एरिया बन जाएगा ये प्लानरिया अब सवाल ये है कि सर फ्रेगमेंटेशन में भी तो ऐसे हो रहा था यहां पर भी तो ऐसे हो रहा था तो क्या फर्क है फर्क यह है पहले ये लाइन पढ़ लो उसके बाद बता दो मैं री जनरेशन इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रीप्रोडक्शन वेर द ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ रीग्रोइंग सर्टन पार्टस ऑफ द बॉडी अब देखो यहां पर ध्यान से देखो रीग्रोइंग सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी वेन इट लूजेज दैम जैसे मैंने बताया आपको लिजर्ड वाले केस में उसका टेल कट होता है तो उसका दुम कट हो जाता है या वो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है वैसे वो डर के मारे दुम छोड़ के भाग जाता है लोग उसी में कंफ्यूज रहेंगे तो वो जो लिजर्ड है उसका वापस से दुम ग्रो हो जाता है पर अगर तुम उसके जो दुम कटा हुआ दुम था उसको अगर देखते रहोगे पूरा टाइम तो उसमें से नया लिजर्ट नहीं निकलेगा मतलब रीजनरेशन का खूबी ये होता है ना कि ये आ, ये वहीं या उधर ही रीजनरेशन हो सकता है जहां पर रीजनरेटिंग सेल्स हैं ठीक है तो जैसे यहां पर मान लो ऐसा टुकड़ा कट गया जिसमें वो स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स है ही नहीं तो दैट विल नॉट ग्रो इन न्यू न्यू एरिया फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं था हर सेल एवरी सेल वॉज हैविंग दैट केपेबिलिटी इधर पे क्या है जो पार्ट ब्रेक हुआ है उसमें रीजनरेटिंग सेल्स होने चाहिए तभी वो रीजनरेट होगा इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इसके एग्जांपल में स्टारफिश भी आ सकता है ठीक है सो एग्जांपल्स यहां पर प्लेनेरिया भी है हाइड्रा भी इसके केस में आता है स्टार भी आता है रीजनरेशन कर सकता है ठीक है तो इतना मेन फर्क यही है कि इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन देर इज नो स्पेश रीजनरेटिंग सेल्स एवरी सेल हैज कैपेसिटी टू ग्रो यहां पर क्या है देर इज देर शुड बी प्रेजेंस ऑफ स्पेशल रीजनरेटिंग सेल इन दैट पार्ट या हियर स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरे आगे वेजिटेटिव प्रपोगेशन की अगर हम बात करें बच्चा वेजिटेटिव प्रपोगेशन में अब इसमें आपको यह समझना होगा कि प्लांट्स के दो मेजर uh, पार्ट होते हैं वन इज कॉल्ड दिव पार्ट एंड दर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट तो रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिसका ताल्लुक है या उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं तो एक है फ्लावर और एक है सीड फ्लावर एंड सीड आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट वेर एज जो बेसिक लेवल पे होता है ना रूट स्टेम लीफ ये जो रूट स्टेम और लीफ है यह किसमें आते हैं दे आर वेजिटेटिव पार्ट ठीक है तो देखो प्लांट्स में अब दोनों खूबी है समझ समझना मैक्सिमम जो हायर प्लांट्स है वो सेक्सुअल वे में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो फ्लावर के अंदर जो मेल फीमेल गैमेट्स एंड ऑल वो सब उस तरीके से भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो दे हैव टेंडेंसी टू ग्रो या टू रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव पार्ट एज वेल यानी रूट स्टेम और लीव से भी नया ऑर्गेनिज्म आ सकता है बिना कोई फर्टिलाइजेशन बिना कोई झंझट के तो यानी प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम आगे देखेंगे अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में आता है ए सेक्शुअल में क्यों क्योंकि यहां पर पेरेंट का या गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ठीक है पेरेंट का नहीं गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है है ना मेल फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां पर सो अगर प्लांट में बाय रूट बाय स्टेम या बाय लीफ अगर प्लांट री प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ए सेक्शुअल मैकेनिज्म में आएगा एंड दैट टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आएगा तो इसमें नेचुरल वाले में देखते हैं कि भाई डायरेक्टली रूट स्टेम लीव से कैसे हो सकता है सॉरी oh, तो जैसे अभी बाय रूट बाय स्टेम और बाय लीफ एग्जाम्पल कोई दे सकता है कोई ऐसा प्लांट जो रूट उसका अगर रूट को लगा दिया जाए जमीन में तो नया प्लांट आ सकता है रूट के थ्रू नया प्लांट आ सकता है तो इसमें स्वीट पोटैटो इज अ गुड एग्जाम्पल ठीक है स्टेम के थ्रू वाले में पोटैटो है आलू तो आलू वाले के इसमें क्या होता है कि उसको इट इट्सल्फ पोटैटो इट सेल्फ इज अ स्टेम कई लोग बोलेंगे सर स्वीट पोटैटो आपने रूट बोला और पोटैटो को स्टेम बोला क्यों तो स्वीट पोटैटो में आपने देखा होगा कभी भी हेयर लाइक -like, है ना और रतालू में क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और जहां भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है मतलब क्या है मतलब इट इज रूट 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 में ही हेयर होते हैं रूट हेयर सो स्वीट पोटैटो से रूट तुम बोलोगे सर आलू भी तो जमीन में उगता तो वो भी रूट हुआ ना नहीं ऐसे रूट ऐसे स्टेम भी होते हैं जो जमीन में उगते हैं वो आलू है उसका एग्जाम्पल ठीक है तो उसमें क्या होता है कि तुमने कभी देखा नहीं होगा कि आलू में रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता उसमें हेयर जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि उसमें कुछ टाइम बाद अगर आलू रख दोगे तो उसमें से ग्रीन ग्रीन पत्ते निकलने लगते हैं और पत्ते कहाँ से निकलते हैं स्टेम में से सो so, पोटैटो किस में आता है स्टेम में आता है ठीक है तो देखेंगे अपन अपने पिक्चर वाइज भी समझेंगे और लीफ कुछ प्लांट के सिर्फ ब्रायोफाइला में एक एग्जाम्पल नहीं है देर आर मेनी प्लांट्स पेड़ है और पत्ते हैं और पत्ते में से ही उसके कोने कोने में से नया प्लांट निकल छोटे प्लांट निकल रहे हैं तो लीफ से भी नया प्लांट डेवलप होता है ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं ठीक है जैसे मैंने बताया प्लांट्स के दो मेजर पार्ट्स है वेजिटेब पार्ट में आपका रूट स्टेम और लीफ आता है रिप्रोडक्टिव वाले में फ्लावर और सीड आता है ठीक है तो अभी फिलहाल हम फ्लावर और सीड वाला तो हम आगे देखेंगे हम कौन सा देख रहे हैं कि रूट स्टेम और लीव से कैसे प्लांट डेवलप हो सकता है ठीक है तो उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे डोंट वरी एंड आर्टिफिशियल वाले केस में भी यहां पर क्या क्या आएगा यहां पर तीन तरीके होंगे जो आपको पढ़ने होंगे एक है बाइक कटिंग अब देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल को अलग क्यों रखा है कि इसमें ना ये हमको इंसानों को थोड़ा सा उसमें कुछ एफर्ट डाल के कुछ करेंगे हम अपने दिमाग से तो जैसे कटिंग वाला एग्जाम्पल में आप ये करते हो कि कहीं पे आप गए और आपको लगा कि यार ये uh, गुलाब का पेड़ में तो बहुत ही मस्त मस्त गुलाब आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं इसके स्टेम को तोड़ते हैं और ले जाके लगा देंगे नया गुलाब आ जाएगा सो so, ये आपने किया स्टेम तोड़ के आपने लगाया तो ये कटिंग वाले प्रोसेस में आ गया यू कट कटेट द स्टेम और आपने जाके उसको रूट आपने जाके उसको प्लांट कर दिया बराबर ना तो ये स्टेम के ही केस में है बट यू डिड इट तो ये आ गया आपका आर्टिफिशियल में कटिंग वाले प्रोसेस से किया अपन ने ठीक है ग्राफ्टिंग और एक और लेयरिंग ठीक है ग्राफ्टिंग क्या होता है हिंदी में आपने कलम सुना होगा कि ये आजकल के जो आम है मैंगोज है ये बड़े बड़े क्यों होते हैं इतने सो so, या पूरे साल क्यों उग रहे है? जो भी है तो वो कलम या ग्राफ्टिंग प्रोसेस से किया जाता है जिसमें करते क्या है एक बेसिक बता देता हूं कि आप मान लो ये दो प्लांट है ठीक है और ये छोटा सा या मान लो ये छोटा सा एक आम का पौधा है इसके स्टेम यहां से मान लो उसको कट किया और इसको मैंने एक बड़े आम के पेड़ के छोटे से टहनी के साथ में मतलब एक्सचेंज कर दिया इसको कट किया ये वाला ऊपर वाला पार्ट इसको यहां लगा दिया ठीक है या इसको ऐसे अटैच कर दिया कि ये रूट के साथ ही इसको यहां पर अटैच कर दिया एक मिनट बहुत तरीके ऐसे ग्राफ्टिंग है फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको कट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल क्या किया इस छोटे से पौधे को एक पॉट में रखा है और इसको यहां से थोड़ा सा स्क्रैच किया थोड़ा सा छिल दिया ठीक है ये बड़े आम के पेड़ के साथ क्या किया उसकी छोटी सी टहनी के साथ इसको भी स्क्रैच किया और इसको यहाँ पर आके ऐसे अटैच कर दिया गया मतलब इस पौधे को जो कि स्क्रैच किया गया था उसके भी स्टेम को और ये उसका जो पॉट है इधर ही है हवा में लटका हुआ है और इसको यहाँ से बांध दिया मतलब दोनों के स्टेम को छील के बांध दिया इस छोटे पौधे के और उस उस बड़े पेड़ के छोटे से स्टेम को ठीक है बांध दिया अब क्या होगा कुछ दिन बाद अब यहाँ से आप इसको कट भी कर दोगे ना इधर से तो बेसिकली अब ये क्या हो गया इस बड़े प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा और इस छोटे प्लांट का जो रूट वाला हिस्सा है ये पूरा मिला के एक प्लांट बना रहा है ठीक है और अब क्या देखोगे आप तीन मतलब साल में ही उसमें वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं तो ये जो स्कायन है प्लांट का है तो ये खूबी इसके अंदर आ गई कि भाई ये दो तीन साल में ही इसमें आम आने लगे ये कलम वाला एग्जाम्पल हो गया ग्राफ्टिंग वाला देन लेयरिंग भी एक चीज होती है बड़े मजेदार होती है लेट्स लेयरिंग वाला हम आगे देखते हैं ठीक है सो स्टार्टिंग विद दिस पहले रूट स्टेम लीफ का नॉर्मल नेचुरल एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उसके पिक्चर देख लो सो स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है उसको जमीन में गाड़ोगे तो नया प्लांट आ जाएगा सो मॉडिफाइड रूट्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स ठीक है और आपका स्टेम वाले में पोटैटो है सो दिस इज स्टेम और इसमें से आप देखोगे तो छोटा छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर निकलता है डेवलप तो तो हो जाएगा सो डेवलपिंग न्यू प्लांट बाई स्टेम नेता है बाई लीफ तो बाय लीफ वाले में आप एग्जाम्पल याद रखो ब्रायोफिलम ओके okay? तो ये पत्तों में से नया छोटा छोटा प्लांट निकल के आ रहा है ओके okay? वो पत्ता टूटके जमीन पर गिरा उसमें से वो फिल्म का उसके साइड नौ, में नॉचेस नॉचेज में निकल के प्लांट डेवलप हो जाएगा ओके okay, सो so अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बाय आर्टिफिशियल मैकेनिज्म वो कटिंग राफ्टिंग और लेयरिंग वाला देख लो तो जैसे मैंने कटिंग का एग्जाम्पल आपको रोज बताया है ना गुलाब का पौधा ठीक है सिर्फ गुलाब का ही नहीं है और भी बहुत सारे हैं जैसे कि एक ड्रम स्टिक भी होता है ड्रम स्टिक में भी कट करके बहुत सारे फ्लावर में तो कई सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको आप कट करके स्टेम को कट करके और फेवरेबल कंडीशन में आप उसको ग्रो कर रहे हो तो ग्रो हो जाएंगे ठीक है ग्राफ्टिंग का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और लेयरिंग भी क्या है लेट सी अड आगे देखते हैं सो कटिंग वाले में क्या है मैंने इसे बताया कि सीधे आपको स्टेम को कट करना है ठीक है समझो ये साइड स्टेम है इसको कट किया और इसको आगे प्लांट कर दिया ये नया गुलाब बन गया कमाल है आर्टिफिशियल का दूसरा वाला एग्जाम्पल में है ग्राफ्टिंग तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आप आ, हो सकता है कि एक दूसरे प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा आपने एक एक अलग प्लांट के नीचे वाले हिस्से से कनेक्ट कर दिया अब पॉइंट ये है कि तुम बोलोगे सर क्या मैं ऐसे ऑरेंज और मैंगो के साथ ये कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ क्या ऐसा मतलब कोई भी भलता भलता नहीं हो सकता ठीक है जो बहुत ही क्लोज स्पीशीज़ है उनके साथ में ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है तो ग्राफ्टिंग वाली चीज़ जो है मतलब दो मान लो कि दो अलग अलग मैंगो की वेराइटीज है एक है तो ये वाला जो आम का पौधा है मान लो ये है अल्फांसो मैंगो का हापूस आम और ये है मान लो राजापुरी राजापुरी पता बहुत ही मोटा बहुत ही बड़ा सा बड़ी साइज का मैंगो होता है। तो अब ये हो सकता है कि आपने इसका ऊपर मतलब ऐसे कट किया आपने इसको भी लगभग सेम साइज का प्लांट है उसको भी ऐसे कट किया दोनों के ऊपर वाले हिस्से को एक्सचेंज किया है ना अभी क्रॉस में भी कट कर सकते हो ऐसे शेप में भी कट किया जा सकता है जिससे की वजह से आसानी से उनका जाइलम फ्लोएम मैच हो जाए तो इस तरीके से कट किया मान लो और फिर उसको उसमें फिट कर दिया गया उसको अच्छे से कपड़े से बांध दिया गया और कुछ दिन बहुत अच्छे से वो ख्याल रख के पानी शानी देके उसको अच्छे से ग्रो किया गया तो अब क्या हुआ कि ये जो ऊपर अच्छा नीचे वाला हिस्सा को स्टॉक बोलते हैं स्कैन बोलते हैं मान लो मैंने जब एक्सचेंज किया तो दोनों का स्टॉक स्कैन बदल दिया मैंने अब क्या होगा कि अल्फांसो का रूट है लेकिन उसके ऊपर राजापुरी का स्कैन है और ये वाला राजापुरी का रूट है लेकिन ऊपर अल्फानसो अल्फांसो का स्कैन है तो अब होगा क्या कि हो सकता है कि आगे जाके जब ये ग्रो करे और नया प्लांट नया मतलब उसमें मैंगो आए तो उसके अंदर कंबाइंड कैरेक्टर हो मतलब ऐसे भी हो सकता है कि यार बड़ा आम हुआ और टेस्ट उसका एकदम मीठा मस्त अल्फांसो जैसा था हापूस जैसा था ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि छोटा सा आम हुआ अल्फांसो जैसा और टेस्ट भी उसका एकदम राजापुरी जैसा था तो ये मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये किए जा सकते हैं बाय दिस प्रोसेस ठीक है Uh, इसके कुछ नुकसान भी है मतलब हेल्थ वाइज ऐसे कहा जाता है कि ये जो कलम वाले जो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं ये उतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते जो नेचुरल जो एकदम बीज से आए हुए हैं बीजू बोलते हैं उसको बीजू का आम छोटे छोटे होते हैं है ना ज़्यादा बड़े नहीं होते और ये बीजू का आम जो है ना इसका टेस्ट और इसका हेल्थ का बेनिफिट्स भी अच्छा होता है इससे गैस शैस की प्रॉब्लम ना होती ठीक है तो मतलब ऑलवेज ये चीज तो निकल के आती है कि जब भी कोई कृत्रिम चीज करते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस कुछ करते हैं कोई छेड़छाड़ करते हैं हम नेचुरल ग्रोइंग प्लांट्स और इन सब के अंदर तो कुछ न कुछ खामियां निकल के आती हैं ठीक है सो so, हमने ग्राफ्टिंग देखा नेक्स्ट इज योर देखो ग्राफ्टिंग वाले में एक इमेज बताया ना दो अलग वाले को मिक्स कर दिया वो प्लांट का एग्जाम्पल दिया था मैंगो का इससे पहले ठीक है नेक्स्ट इज लेयरिंग अब इसको ध्यान से देखो तो ये लेयरिंग कैसा किया गया है कि मान लो इसका अच्छा इसका एग्जाम्पल है जास्मिन हर एक में एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको तो जासमिन के पौधे में क्या होता है कि आप आ, उसके स्टेम को काफी फ्लेक्सिबल होता है उसके स्टेम को आपने थोड़ा सा स्क्रैच करके और जमीन के मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबा दिया ठीक है मान लो यहाँ पर थोड़ा चाकू से स्क्रैच स्क्रैच किया हुआ है दबा दिया अब क्या होगा कुछ दिन में ऐसा देखा जाएगा कि भाई इसमें से रूट निकल आए यहां से ना कुछ रूट्स निकल जाएंगे और ये जब अच्छे खासे से निकल गए हैं कुछ हफ्तों में आप क्या कर सकते हो इसको यहाँ से कट कर सकते हो तो जैसे इसको कट कर दोगे दिस विल बी अ न्यू प्लांट मतलब ये एक पेरेंट प्लांट तो है ही और यहां से एक दूसरा प्लांट एक और प्लांट बन गया तो आप ध्यान रहे कि यहां पर भी कोई पेरेंट आ, आ, कोई मेल फीमेल पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व नहीं हुआ सिंगल पेरेंट से नया प्लांट डेवलप किया गया तो ये आ गया आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तीसरा वाला टाइप नाउ लेट स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फर्स्ट ठीक है आइए शुरू करते हैं और यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स में आप पहले ये बेसिक नेमिंग लेबलिंग देख लो आप सो so, ये जो बाहर वाली छोटी सी ग्रीन ग्रीन सी पंखुड़ी होती है ना पेटल के बाहर दैट इज कॉल्ड सेपल ठीक है और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो अपन पढ़ते हैं इसमें आ, कौन सा वाला प्लांट देखते हैं भाई आपको याद होगा जिसको बोला जाता है हिबिस्कस साइंटिफिक नेम इज हिबिस्कस रोजा सिनेसिस इसी को चाइना रोज इसी को शू फ्लावर भी बोलते हैं अड़्ल का फूल या गुड़हल का फूल है ना तो दिस इज दैट ठीक है अब ये सेपल हो गया इसके ऊपर या इसके अंदर वाली चीज़ ये होगी ओव्यूल है ना इसी के अंदर फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है है ना दिस पार्ट बेसिकली ये जो बाहर वाला है दिस इज कॉल्ड ओवरी तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है ये जो कलरफुल पंखुड़ियां हैं इसको हम पेटल कहते हैं है ना पेटल अट्रैक्टिव या इतना कलरफुल इतना खुशबूदार और उसके अंदर इतना जूसी क्यों होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट कर सके फॉर दी टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन अगर आपने सेवेंथ एट मेरे ख्याल से पढ़ा है लेट्स सी आगे देखेंगे अपन वो ठीक है सो सबसे बाहर वाला जो ये पंखुड़ी है दैट इज ग्रीन कलर का जो है इट इज़ बेसिकली सपोर्टिंग द इनर पार्ट्स एंड ऑल्सो फोटोस इंथिस होगा क्योंकि ग्रीन कलर है पेटल का फंक्शन क्या बोला मैंने पहला तो ये है कि भाई वो अंदर के हिस्सों को थोड़ा सा सपोर्ट देता है और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के बना है ताकि पॉलन ग्रेन को मेल से फीमेल आ, सिस्टम के ऊपर सेंड किया जा सके और आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो सके ठीक है सो फिलहाल दिस इज पेटल और क्या हिस्से हैं भाई ये वाला जो मेल आ, सिस्टम बताया मैंने उसका ये जो स्टिक है या जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट और ये होता है एंथर सो so, ये मेल पार्ट uh, को एंड्रोशियम uh, भी कहा जाता है सो दिस इज एंड्रोशियम एंड आल्सो कॉल्ड स्टेमिन इस पूरे हिस्से को स्टेमिन कहते हैं स्टेमिन का जो ये स्टेम वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं फिलामेंट और ये वाले हिस्से को अपन ने क्या नाम दिया एंथर ठीक है तो फिलामेंट है एंथर है एंथर के अंदर ही क्या होते हैं पोलन ग्रेन होते हैं ठीक है पोलन ग्रेन को ही हमको यहां से यहां फीमेल से फीमेल सिस्टम पे सेंड करना है और इसी सेंडिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं हम पॉलीनेशन कहते हैं राइट पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर के अंदर हुआ यानी उसी फ्लावर का ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठा तो, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन अगर एक फ्लावर का ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके सेट किया तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन ठीक है तो यहां पर अब हम देखते हैं कि भाई इस हिस्से को क्या बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा अभी जैसे मैंने नाम लिया था स्टिग्मा का नाम स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि वो स्टिकी है स्टिकी क्यों होना चाहिए भाई ग्रेन वहीं तभी तो चिपक पाएगा अभी एक इंसेक्ट आया वो यहाँ पर थोड़ा सा जूस लेने बैठा नेक्टर लेने बैठा तो हो सकता है कि वो जो जो थोड़ा सा कांटेदार ग्रेन होते हैं तो वो ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाएंगे और फिर वो उठ के एक दो बार बैठेगा तो यहां पर स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा वो ग्रेन तो बेसिकली इंसेक्ट की बॉडी में पहले चिपका और फिर जब वो इंसेक्ट स्टिग्मा पे टच हुआ तो ग्रेन वहां पर जाके स्टिग्मा पे जाके चिपक गया ठीक है थोड़ा सा वेलक्रो मैकेनिज्म टाइप हो जाता है वेलक्रो पता है ना आपके जो सैंडल में होता है ना तो वैसे ही ग्रेन जो है थोड़ा सा स्पाइक वाला स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कांटेदार स्ट्रक्चर है ठीक है छोटे छोटे कांटे होते हैं और स्टिग्मा जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर है है तो वो वो इफेक्ट मैकेनिज्म या की तरह जाके चिपक जाता है। एक तो स्टिकी भी है ऊपर से वो वेल्क्रो इफेक्ट भी है तो वहां पर जाके पॉलोग्रेन ट्रांसफर हो ही जाएगा ओके अब यहां पर मैंने इस फीमेल सिस्टम को अभी तक नाम नहीं दिया है अपन ने जैसे यहां पर बोला वैसे इसको क्या कहा जाता है फीमेल सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है दिस इज योर कार्पल uh, इसको क्या कहा जाता है इसको कार्पल बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कार्पल और uh, इसको पिस्टिल भी कहा जाता है वैसे ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम एंड्रो यानी मेल तो ये मेल सिस्टम से जो दिख रहे और ये जो सेंटर में है दिस इज गाइनोशियम गाइनो यानी फीमेल ठीक है अच्छा अब इस कार्पल के भी अलग अलग हिस्से देख लो दिस इज कार्पल राइट इसमें ऊपर वाला हिस्सा इसको स्टिग्मा बोला है इसी के अंदर से पोलन ट्यूब देखो जा रही है पोलन ट्यूब जाएगी तभी तो पोलन ग्रेन आगे या उसके अंदर वो जो मेल गैमेट है वो शिफ्ट किया जा सकेगा सो so, पहले तो देखो कि ये दिस इज स्टिग्मा ये जो पूरी पाइप है दिस इज कॉल्ड स्टाइल और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको अपन ने ऑलरेडी नाम दिया दिस इज ओवरी तो आप याद रखना कि ये जो कारपेल है कार्पेल का जो तीन पार्ट्स हैं उसको भूलना नहीं ऊपर वाला इज स्टिग्मा ये जो पाइप है इसको बोलते हैं स्टाइल और ये जो लोअर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं ओवरी ठीक है तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी याद रखें यहां पर फिलामेंट और एंथर एंथर के अंदर है पोलनग्रेन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट ओवरी के अंदर क्या है ओवरी के अंदर है तुम्हारा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर बहुत जरूरी होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्योंकि उसके बिना नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है वॉट इज फर्टिलाइजेशन इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो किस तरीके से यहां पर जो बैठा हुआ मेल गैमेट है या पॉलिंग के अंदर जो मेल गैमेट है कैसे वो यहां से वो पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब जाएगा पोलन ट्यूब से वो मेल गैमेट ट्रांसफर होगा फीमेल गैमेट के पास और तब जाके फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा तो प्लांट वाले में याद रखना कि पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होता यहां पर पहले पॉलिनेशन होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलंग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ पॉलंग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पॉलिनेशन पहले होगा उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो होगा पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के पास सेंड किया जाएगा ये सारा कुछ प्रोसेस यानी फर्टिलाइजेशन उसके बाद होने वाला है ठीक है सो so, जैसा कि मैंने बोला पहला स्टेप यहां पर होगा पॉलिनेशन तो आप यहां पर देख सकते हो कि भाई आ, इस एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स हैं और ये पोलन ग्रेन को किसी तरीके से इस वाले हिस्से पे स्टिग्मा पे शिफ्ट करना बहुत जरूरी है ठीक है सो दैट इज ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो यहां पर कंप्लीट होगा सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्रॉम मेल या फिर फ्राम वॉट इज दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्राम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ठीक है ऑफ द फ्लावर यानी यहां से मान लो इन सब में से कहीं से भी पॉलंग ग्रेन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो उसी को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन कहते हैं ओके okay? जैसे मैंने बताया पॉलिनेशन के टाइप सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है अगर एक ही फ्लावर का ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठा तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और जब एक फ्लावर का ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठा दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन राइट अब आप ये देखो दिस इज वन केस जहां पर हो गया कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ये अब अज्यूम कर लेते हैं कि पॉलिनेशन प्रोसेस हो गया अब जब पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद में पोलन ग्रेन जो है वो यहां पर स्टिग्मा पे आके अटैच हो पोलनग्रेन आ गया है सेटल हो गया है अब आगे की कहानी क्या होगी क्योंकि देखो एक पोलन ग्रेन नहीं है भाई कई सारे पोलन ग्रेन है अब ये कई सारे पोलन ग्रेन है, है वो एक छोटा सा ट्यूब ग्रोथ करते हैं नीचे की तरफ एंड वॉट इज दैट ट्यूब कॉल्ड इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब तो इसमें से पोलन ट्यूब जो है वो ऐसे ग्रो करेगा और आगे की तरफ वो ट्यूब ग्रो करता हुआ जाएगा क्योंकि जो पोलन ट्यूब सबसे पहले अपनी ग्रोथ को नीचे यहां तक पहुंचा पाएगा दैट विल बी एबल टू सेंड इट्स मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट तो इनके बीच भी आपस में रेस होती है इस ग्रोथ के लिए हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में इसी मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया था कमेंट करके बताना कि व्हाट इज ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स दी फीमेल गैमेट इन फ्लावर कॉल्ड कौन सा वाला ट्रॉपिज्म है ये आप बताना ठीक है सो so, अब ये जो भी पोलन ट्यूब यहां पर सबसे पहले अपना ग्रोथ वहां ले जाएगा वही अपना मेल गैमेट वो आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए करा पाएगा बाकी सब फेल हो जाएंगे इसमें भी तो हर हाँ जगह रेस है भाई देख लो स्टिग्मा स्टाइल और मैंने क्या बताया ओवरी तीन हिस्से जो पिस्टल या फिर कार्पिल के हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी और अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन नाउ व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन जस्ट सी दिस ठीक है अब डबल फर्टिलाइजेशन का ये जो डायग्राम है कई बार ऐसे होता है कि बच्चे इसमें उतना क्लियरली समझ नहीं पाते ठीक है क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड्स यहां पर दिए होते हैं सो नाउ आई एल मेक इट इजी फॉर यू आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे दो तो जैसे मान लो दिस इज स्टाइल वाला पार्ट और ये है ओवरी वाला पार्ट ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ध्यान दो अभी तो इसमें ना एक्चुअली ना थोड़ा सा और मैकेनिज्म मुश्किल कर दिया गया है ऊपर की तरफ से ये बंद रहता है क्लोज रहता है और ये स्ट्रक्चर ओपन कहाँ है देखो नीचे से ओपन है ये ऊपर से यहाँ से कोई पोलन ट्यूब जा ही नहीं सकता दिस एंड इज कॉल्ड चलाजा दिस एंड इज कॉल्ड चलाजा नाम में देखो चला जा चला जा कोई जगह नहीं यहाँ पर कोई रास्ता नहीं चला जा तो अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रो होता हुआ आ रहा है मान लो एक पोलन ट्यूब दूसरा पॉलन ट्यूब तीसरा पॉलन ट्यूब तो अब जब ये चला जा बोल रहा तो भाई ये बोल रहा है नहीं यार अब तो कोई होप नहीं कोई उम्मीद नहीं चलो यार छोड़ो यार लेकिन जो जिद्दी वाला पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगा बोलेगा ठीक है यार ये कुछ और बोल रहा है हम समझ नहीं पा रहे ये चला जा नहीं बोल रहा अच्छा इस नाम इसका नाम है च लाजा मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा कई बच्चे बोलते हैं सर ये मजाक तो नहीं कर रहे पर आपको बोलना नहीं है आपके आपके लिए टेंथ में नहीं है ये तो ये चला जानी है चल आजा वाला स्ट्रक्चर है तो यहां से नया रास्ता जो है वो उसको बता रहा था कि भाई चल आजा यहां से आजा ये पॉलन ट्यूब ग्रो करता 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 यहां से एंट्री मारने के लिए आ गया दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल यानी छोटी सी ओपनिंग यहां से है और अब ये पोलन ट्यूब नो जो है उसने अपना मेल गैमेट यहां पर ड्रॉप कर दिया क्या बात है तालियां पर देखो यहां पर असल में होता क्या है ना कि इस एक पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आते हैं यहां से एक नहीं दो एक नहीं दो दो मेल गैमेट आए भाई काहे को आए एक पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट क्यों आए देखो एक दो क्यों आए तो होता क्या है ना सीड अल्टीमेटली ये सीड बनाने वाले और आप ये समझना कि सीड जब बनता है तो सीड में दो चीजों का बनना बहुत जरूरी है एक है एंडोस्पर्म और एक है जाइगोट या फिर इसको आगे जाके मैं नाम दे सकता हूं एम्ब्रियो तो याद रखना जब ये बीज बनेगा सीड बनेगा तो सीड काफी टाइम तक डोरमेंट रहता है काफी टाइम तक वो बंद रहता है कैद रहता है उसमें एक लाइफ है जो कैद है उस बीज के अंदर वो असल में एक फ्यूचर प्लांट है तो भाई एक लाइफ को बंद कवच में वो कितना दिन तक तो कैसे रहेगा उसको खाना भी तो चाहिए तो उस सीड में जो छोटी सी लाइफ है उसके लिए थोड़ा सा फूड भी उसके अंदर जमा हुआ रहता है एंड वॉट इज दैट फूड बेसिकली वो जो फूड है वो यही है एंडोस्पम तो असल में जब सीड फॉर्मेशन हो रहा होगा यहां पर तो ये असल में दो चीजों को फॉर्म कर रहा है एक उसके अंदर की जो लाइफ है जो जयगोड या एम्ब्रियो है वो छोटा सा जगह लेता है सीड में और बाकी बहुत सारा पोर्शन क्या रहता है उसके अंदर वो फूड रहता है जो उस सीड को जब तक वो उसके अंदर डॉर्मेंट है कैद है उस कवच uh, के अंदर तब तक उसको फूड सप्लाई करने का काम वहीं से होगा सो so, एंडोस्पर्म भी तो बनाना है इसलिए यहां पर इस ओव्यूल uh, के अंदर दो मेल गैमेट आए हैं मतलब एक ही पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट आए हैं फॉर द सेम रीजन अब होता क्या है कि अंदर की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अंदर पे ना अंदर ये देर आर टू पोलार न्यूक्लियाई आर टू पोलार न्यूक्लियाई जो अंदर रहते हैं ठीक है और इसके अलावा एक फीमेल गैमेट दिस इज दी फीमेल गैमेट जिसके लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो एक मेल गैमेट जो है वो वो तो जाएगा इधर फीमेल गैमेट से फ्यूज होने क्योंकि होता ना कि भाई सपोज दो जुड़वा भाई हैं ये दो जुड़वा भाई हैं ठीक है लेकिन शादी एक की हो रही है अभी फिलहाल तो हो क्या गया कि दोनों ने एंट्री तो मारी मतलब मस्त बढ़िया से एंट्री मारी बारात के थ्रू आए एंट्री मारी है ना दरवाजा लगाया और उसके बाद ये जो पहला वाला जो मेल है या जिसमें से पहला भाई है वो गया मंडप के अंदर बैठा शादी हो रही है उसकी भाई तो ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होने गया यानी कि यहां पर क्या हो रहा है वो विवाह संपन्न हो रहा है वॉट इज दैट कॉल्ड द मेन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसको सिंगी बोलते हैं गैमी मतलब शादी होता है ठीक है और सिंग मतलब मतलब आपस में शादी हो रही है इस मेल और फीमेल की तो यहां पर जो फ्यूजन हो रहा है उसको क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान रखना तो वन फ्यूजन इज दिस सिंगी और जो दूसरा मेल गैमेट है वो इधर पे जाके इस दो पोलर न्यूक्लियस से जाके फ्यूज कर रहा है दैट मीनस इधर पे क्या हो रहा है इधर मिल बैठे तीन यार आप में और समथिंग समथिंग तो यहां पर जो दूसरा दोस्त या दूसरा जो भाई है वो अपने दोस्तों के साथ गए और मस्त वो तो भाई महफिल के एंजॉयमेंट ले रहा है तो यहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई और ये मेल गैमेट ये तीनों का आपस में फ्यूजन चल रहा है यानी कि इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन यारा तेरी को मैंने तो खुदा माना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आगे जो सीड बनने वाला है उसका दोनों तैयारी हो गया इधर से ये वो जिंदगी को जन्म देगा है ना जो जायगोट है वो बनेगा फर्टिलाइजेशन होगा और ये जो है ये दोस्त जो है क्या करेंगे ये इनके लिए थोड़ा सा माहौल बना के देंगे बढ़िया खाना पीना जो भी ये सप्लाई कर रहे तो यानी कि यहां से वो क्या बनेगा द फूड रिक्वायर्ड लेटर तो वाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहां पर दो फ्यूजन हुए पहला क्या हुआ सिंग और दूसरा क्या हुआ ट्रिपल फ्यूजन ठीक है क्योंकि ये दो स्टेप्स हो रहे हैं इसलिए दिस प्रोस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन ठीक है तो इस तरीके से यहां पर यह पूरा प्रोसेस जो है वो हो रहा है और आगे जाके यही सीड बनेगा अच्छा एक और बात समझना कि ये सीड बनेगा ठीक है फर्टिलाइजेशन हो गया अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजन के बाद की बात करें तो क्या होता है तो यहां पर जैसे ये फ्रूट बना फ्लावर जो है बाद में जाके फ्रूट बना तो फ्रूट बना कैसे जो ऊपर का ये देखो ये जो कवच है दिस इज दी ओवरी, ये ओवरी वाला हिस्सा है और ये जो सीड है ये क्या है दिस इज द ओव्यूल वाला पार्ट तो ये बात समझना कि फ्लावर्स आगे जाके फ्रूट में डेवलप हुआ है ना और मतलब पूरा फ्लावर से लेके फ्रूट की जर्नी में ओवरी क्या बना आगे जाके और ओव्यूल क्या बना तो ओव्यूल जो है वो सीड बना ओवरी जो है वो फ्रूट बना तो याद रखना ओवरी आगे जाके फ्रूट बना और ओव्यूल आगे जाके सीड बना ठीक है सो दिस इज वॉट हैपेन्स वेन फ्लावर टर्न टर्नस इंटू फ्रूट अब बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की तो ये एक सीड है जो कि जर्मिनेट कर रहा है धीरे धीरे जर्मिनेट कर रहा है है ना जम रहा है इसमें जो ऊपर निकले देखो ऊपर जाने वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं क्या दैट इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल मैं बताऊंगा वहां पे और जो यहां पर नीचे की तरफ जो ये ग्रोथ जा रही है दिस इज रेडिकल यानी रेडिकल आगे जाके क्या बनेगा रेडिकल ही आगे जाके रूट बनता है और प्ल्यूम्यूल आगे जाके शूट बनता है यानी स्टेम बनता है ठीक है और ये जो हिस्सा है जो सीड का मेन हिस्सा है जो अभी तक फिलहाल तो फूड दे रहा है दिस इज कॉटिलीडोन, ठीक है दिस इज कॉटिलीडोन। तो आप देख लो इसको ये जो सीड है इसमें दिस इज इस प्लूम्यूल ठीक है नीचे वाला इज रेडिकल एंड दिस इज कॉटिलीडोन। कॉटिलीडोन फिलहाल तो उसको फूड सप्लाई कर रहा है जब तक ये थोड़ा सा खुद फोटो नहीं कर रहा तब तक ठीक है प्लूम्यूल <coughs> जो है आगे जाके स्टेम बनता है और रेडिकल आगे जाके रूट बनता है आर फॉर रेडिकल आर फॉर रूट ठीक है स्पेलिंग देख लो सो <coughs> so, ठीक है सीड जर्मिनेशन भी हो गया अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई प्लांट तो हो गया <coughs> अब हम बात करेंगे <coughs> कि सॉरी अब हम बात करेंगे ह्यूमन के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आइए शुरू करते हैं यहां पर और इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है ईमानदारी से समझेंगे सो so, अच्छा आपने ये शुरू करने से पहले एथ में आई गेस हॉर्मोन सिस्टम समझा है एंड जो प्यूबर्टी और एडोलसेंस है वो समझा हुआ है सो so, बस मुझे फिलहाल एक ही ये डिफरेंस जो है आप मुझे कमेंट करके बता देना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस ये दोनों काफी कनेक्टेड टर्म है दोनों में डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है आप बताओगे प्यूबर्टी और एडोल्टेंस में ठीक है एक जो है वो चेंजेस जो होते हैं मतलब जब एक एज के बाद जो चेंजेस नए होते हैं मेल और फीमेल में सेपरेटली एक वो है चेंज है और एक वो टाइम पीरियड है तो कौन सा क्या है वो बताना आप ओके तो अब यहाँ पर हम मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम को समझ लेते हैं भाई यहाँ पर मेल सिस्टम के अंदर एक जो मेल गैमेट कंटेन कर रहा होगा वो मेल जर्म सेल है जिसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल सिस्टम में जो फीमेल गैमेट कंटेन करने वाला जो जर्म सेल है दैट इज ओवम तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा उसमें वो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा और जो है जाइगोट यहाँ पर फॉर्म होगा तो पहले इनके हम स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ठीक है ये है दिस इज द एक्सटर्नल कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो एक्चुअली देखो फ्लावर में क्या है फ्लावर में ग्रेन uh, ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वो इंसेक्ट ने कराया है ना कीड़े मकोड़े नहीं कराया मान लो या हवा से हुआ या एनिमल्स के थ्रू uh, हुआ ठीक है पर इसमें कैसे होगा इसमें दो डिफरेंट बॉडी है ह्यूम है यहां पर हवा या इंसेक्ट तो होगा नहीं तो यहां पर देयर शुड हैपन सम कनेक्शन uh, है ना बिटवीन दी बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल और जब ये कनेक्शन बिल्ट होगा जब ये इंटीमेट कनेक्शन होगा तो उसी इंटीमेट कनेक्शन के थ्रू जो मेल गैमेट है यानी जो मेल जर्म सेल है को फीमेल जर्म सेल यानी ओवम से अटैच कराया जाएगा तो वो कनेक्शन करने के लिए एक सॉकेट और स्विच जैसा स्ट्रक्चर जो है वो कोई जरूरी है तो यहां पर आप देखो कि ये लगभग उसी तरह का मैकेनिज्म है कि मेल में ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है कॉपुलेटरी कॉपुलेशन इज व्हाट कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है ये वही प्रोसेस है जिससे ये कनेक्शन जो है कनेक्ट uh, होगा है ना और ये जो मेल ऑर्गन है दिस इज पेनिस यही इंसर्ट होगा इन द फीमेल ऑर्गन कॉल्ड वेजाइना तो यहां पर ये दिस इज दैट स्ट्रक्चर पेनिस और इसके बाद आप देख सकते हो दिस इज टेस्टिकल या टेस्टिस जिसको हम कहते हैं यहां पर एक और यहां पर एक तो ये पूरे जोड़े में होते हैं है ना एपिडमाइस ठीक है यूरेथ्रा यूरेथ्रा वैसे कॉमन पासेज है मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी इसी पाइप से जाता है और स्पर्म भी यहां पर इसी पाइप से जाने वाला है ठीक है और देर इज ऑब्वियसली दो ग्लैंड यहां पर है वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वन इज सेमिनल वेसिकल अब पर आ, सवाल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गिव दी फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल कंबाइनली ही पूछा जाता है अलग अलग नहीं तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का फंक्शन ध्यान से सुनना कि ये ना देखो टेस्टिकल्स का क्या फंक्शन है टेस्टिस का क्या फंक्शन है ये मेल्स के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यही मेल्स के अंदर मेलनेस लाते हैं मेल कैरेक्टर्स लाते हैं तो इसके दो मेन फंक्शन है टेस्टिस के देन हम यहां पर आ रहे पहला है टू प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉम स्पॉम प्रोडक्शन में टेस्टिस का काम बहुत अहम है मतलब वही प्रोडक्शन करता है स्पॉम का ठीक है सो प्रोडक्शन ऑफ मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पॉम टेस्टिस करता है दूसरा प्रोडक्शन ऑफ या फिर सेक्रीटिंग uh, हमने इसको हार्मोनल सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है कभी तो ठीक है सेक्रेटिंग मेल हॉर्मोन कॉल टेस्टोस्टेरोन याद आया तो देर आर टू मेन फंक्शन पहला है प्रोडक्शन ऑफ मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पर्म और दूसरा सेक्रेटिंग मेल हॉर्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन ये दो चीजें सेक्रेट करता है ठीक है अब एक और बात याद रखना टेस्टिस जो है एक मतलब ये अब के अंदर नहीं होता ये बॉडी से बाहर एक स्किन जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज होता है उसके अंदर होता है और ये क्यों बॉडी से बाहर है वाई इट इज लाइक ये अंदर नहीं है तो ये बॉडी से बाहर जो स्ट्रक्चर में है पहले दैट दैट स्किनी बैग इज कॉल्ड स्क्रोटम स्क्रोटम बोलते हैं उसको ठीक है तो ये स्क्रोटम में क्यों है कारण कि भाई उसको थोड़ा सा बॉडी जो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा हाई है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्पॉम प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए ये बॉडी के बाहर एक मतलब अब के बाहर एक अलग स्किनी बैग के अंदर लोकेटेड है जब गर्मी का मौसम होगा जब ज़्यादा बॉडी हीट रहेगी उस टाइम पे यह स्क्रोटम थोड़ा लूज हो जाएगा टेस्टिस थोड़ा दूर हो जाएगा बॉडी से सो so दैट कि उसको बॉडी की हीट जो है वो उतनी ज़्यादा ना लगे और वो स्पॉम प्रोड्यूस कर पाए ठीक है वेराइज जब टेम्परेचर कम होता है उस टाइम पे ये बॉडी के पास जो है क्लोज आ जाता है क्योंकि उस टाइम पे उसको थोड़ा सा हीट चाहिए होता है तो इन दैट केस वो क्या करता है तो मतलब बेसिकली आप ये समझो कि स्क्रोटम बॉडी से बाहर क्यों है बॉडी से बाहर नहीं अबडोमिन से बाहर क्यों है क्योंकि या टेस्टिस जो है क्यों उसको अबडोमिन से बाहर रखा गया है क्योंकि स्पॉम प्रोडक्शन नीड्स अ लिटिल लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर और इसलिए ये बॉडी से या अबडोमिन से बाहर लोकेटेड है ठीक है अच्छा स्पॉम जो है यहां से प्रोड्यूस हुआ एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पॉम प्रोड्यूस होते हैं एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पॉम प्रोड्यूस होते हैं एक समझो यहां से जब ये प्रोड्यूस होगा जब वो सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे और एक और बात कि कौन सी एज से स्पॉम प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो इट स्टार्ट विद दर्टी जो टीन जिसको हम कहते हैं मतलब वही 11, 12 साल

मतलब जब वो क्या बोलते हैं उसको फेवरेबल कंडीशन होगा उस टाइम पे स्पॉम प्रोड्यूस होगा और एक प्रोडक्शन में ये मिलियंस ऑफ स्पॉम जो है वो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये इतना आगे डिफिकल्ट प्रोसेस होने वाला है कि एक एक ही वो लकी स्पॉम होगा जो सबसे हेल्दी स्पॉम होगा वो वहां पर फिटेस्ट स्पॉम जाके वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर सकता है तो अब देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर स्पॉम प्रोड्यूस हो गए वो इस पाइप से व्हाट इज दिस पाइप कॉल्ड व्हाट इज दिस डक्ट कॉल्ड दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस डिफरेंस वास बोलते हैं या फिर स्पॉम तो स्पॉम डक्ट से ये स्पॉम जा रहा है ठीक है क्योंकि ये पेनिस के थ्रू या यूरे के थ्रू आगे ये जाएगा फर्दर जर्नी कवर करेगा तो अब ये स्पर्म जो है जिसमें टेल भी लगा है ठीक है उसमें दुम है जिससे वो बहुत आसानी से पास हो सके उसकी जर्नी को थोड़ा सा और मूवमेंट देने के लिए थोड़ा सा और मतलब फेवरेबल बनाने के लिए ही ये लोग एक फ्लूड सेक्रीट करते हैं एक फ्लूड सेक्रीट करते हैं जिसको सेमिन कहा जाता है देखो सेमिनल वेसिकल तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल फ्लूड सेक्रीड करते हैं जो कि स्पर्म की जर्नी को आसान बनाएगा जो कि स्पर्म जिसमें स्विम कर सके है ना ऐसा फ्लूड ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो यानी कि देखो स्पर्म भले ही मिलियंस ऑफ स्पर्म है लेकिन बहुत सिंगल सेल ही है वो और वो भी नॉट इवन टाइपलॉइड सेल 46 सिक्स में नहीं है सिर्फ 23 थ्री है तो कितने छोटे स्पर्म होंगे छोटे uh, सेल्स होंगे तो मिलियंस ऑफ भी हैं तो बहुत बहुत कम है वो जो आजादा क्वांटिटी इसमें होती है वो किसकी होती है दैट इज सेमिन तो ये जो सेमिन है दैट इज अ फ्लूड है ना विच इज सेक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट सो अब तुम्हारा आगे न आ रहा है फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट दे सेक्रेट अ फ्लूड विच प्रोवाइड द विच हेल्प इन ईजी ऑफ स्पॉम ठीक है और दूसरा क्या है विच ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पम याद रखना दो फंक्शन पहला ये स्पोम को मोबिलिटी देते हैं मूव करने में हेल्प करते हैं ठीक है क्योंकि वो मीडियम प्रोवाइड कर रहे जिसमें से स्पोम आसानी से जा सकेगा और दूसरा इट ऑल्सो हेल्प नरिशमेंट टू द जो इतना दौड़ रहा होगा मैराथन कर रहा होगा तो उसमें उसको खाना पीना चाहिए होगा तो वो सेमिन से ही उसको मिल जाता है तो याद रखना मैंने टेस्टिस के भी दो फंक्शन बताए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के भी दो फंक्शन बताए अब देखो यहां पर अच्छा मेल्स में स्पॉम प्रोडक्शन का एज शुरुआती मैंने बता दिया द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी पर कब तक स्पॉम प्रोड्यूस होता रहेगा उसका कोई एज नहीं होता इट इज नॉट पचास साठ सत्तर कुछ नहीं है मेल्स में स्पॉम प्रोड्यूस पूरे जिंदगी हो सकता है ठीक है अच्छा तो अभी ये स्पर्म की जर्नी आगे बढ़ेगी और जब मतलब जब वो फेवरेबल कंडीशन है मान लो कि जब वो बंदा आ, क्या बोलते हैं वो इंटरकोर्स प्रोसेस में है तो उस वक्त नाउ द फीमेल सिस्टम लेट्स अंडरस्टैंड दिस तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जैसे वहां पर पेनिस मैंने बताया एक्सटर्नल कॉपिलेटरी ऑर्गन है ना वो जो मेल ऑर्गन था पेनिस वैसे यहां पर फीमेल ऑर्गन क्या है जिसके अंदर पेनिस इंसर्ट होगा सो दिस ऑर्गन इज वेजाइना ठीक है तो अब ये एक्सटर्नल सिस्टम से पेनिस आ गया और पेनिस यहां पर जो स्पॉर्म है वो आगे भेजेगा और वो आगे जर्नी कवर करेगा पर उससे पहले हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं डायग्राम दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी हिस्सा है वो सब इम्पॉर्टेंट है और खासकर जो रिप्रोडक्ट हेल्थ वाला आगे आएगा वो तो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अच्छा दिस ओपनिंग इज इंटरनल ओपनिंग इज कॉल्ड सर्विक्स ठीक है ये ये रहा ओवरी तो एक ओवरी यहाँ रहा और एक ओवरी यहाँ रहा तो जैसे वहां पर टेस्टिस था जैसे मेल के केस में टेस्टिस था वैसे यहां पर कौन है ओवरी है जैसे मेल के केस में पेनिस था एक्सटर्नल कॉपोलेटरी ऑर्गन वैसे यहां पर क्या है वेजाइना है ठीक है और सो so, अब देखो मैंने बताया था टेस्टिस के दो फंक्शन तो ओवरी के भी दो फंक्शन होंगे ठीक है टेस्टिस के कौन से दो फंक्शन थे एक तो टेस्टोसिरोन प्रोड्यूस करना दूसरा स्पॉम प्रोड्यूस करना ओवरी का क्या फंक्शन है वही है रोन नहीं यहां पर क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना फीमेल हॉर्मोन और दूसरा क्या है द फीमेल जर्म सेल दैट इज एग या ओवम प्रोड्यूस करना तो ये ओवम प्रोड्यूस कर रहा है अब हालांकि होता यह है कि बहुत सारे इमेच्योर ओवम पहले से ही रहते हैं इमेच्योर एग्स पहले से ही रहते हैं जब ये फीमेल पैदा हुई थी तभी से इसके अंदर वो इमेच्योर एग्स होते हैं ये मेच्योर होना शुरू ही कब होते हैं ये मेच्योर होना शुरू होते हैं विद द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी एक एक एग जो है एक एक बार में यहाँ एक एक ओवम जो है प्रोड्यूस होगा तो मान लो ये एंड द पीरियड इज़ 28 दिन तो ये मान लो 28 डेज जो है यहाँ पर इनकी इसकी लाइफ रहेगी एक एग की ये मेचोर हुआ वहाँ पर वेट किया तो ये 28 डेज वाले स्पैन में ये एग जो है इसकी लाइफ है और फिर एक जैसे ये अट्ठाईस दिन ख़त्म हो गया इसका प्रोसेस खत्म ये ओवुलेशन हो गया इसका प्रोसेस अब ये खत्म हो गया उसके बाद अगले समझो एक महीना यहाँ पर एक था अगले महीने यहाँ पर एक कोई एग मेच्योर होना शुरू होगा ठीक है मेच्योर होगा बड़ा होगा और वो वेट करेगा फॉर द फॉर्म फिर नहीं आएगा तो फिर से वो भी रप्चर हो जाएगा फिर नया एग यहाँ पर मेच्योर होगा तो इस तरीके से बारी बारी से ये लोग जो है हर अट्ठाईस दिन में अपना अपना बारी बदलते हैं और फिर एग जो है प्रोड्यूस करना या ओव्युलेट करना जो है शुरू करते हैं तो पहले यहाँ ओवेशन हो रहा है फिर यहाँ ओवेशन हो रहा है ओव्यशन इज बेसिकली वही द प्रोडक्शन ऑफ एग आप कह सकते हो मेचोरिटी ऑफ दैट एग जो फीमेल के केस में होगा और अब एग मैंने बताया कि यहां पर प्यूबर्टी के साथ ये प्रोसेस शुरू हुआ ओव्युलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ ठीक है यानी वही लगभग 11.5 पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव ईयर के एज से फीमेल्स में ओवलेशन प्रोसेस शुरू हुआ पर ओवलेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस शुरू होता है दैट इज यस द मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंस्ट्रुअल या मैंस्ट्रुएशन प्रोसेस ठीक है तो फीमेल्स में या मैमल्स में बेसिकली ये प्रोसेस होता है तो ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या है कि उसमें देखो फीमेल बॉडी इज नॉट जस्ट कि यहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर यहाँ कंप्लीट हुआ तो फीमेल बॉडी के दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसमें जो बेबी है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही पूरा ग्रो करेगा डेवलप करेगा तो उस पूरे टाइम के लिए बेबी को ग्रो कराने के लिए यहाँ पर क्या ज़रूरी होगा कि एक और भी और भी कुछ प्रोसेस या मैकेनिज्म रेडी किए जाए जिससे कि वो बेब जब वो जायगोट एम्ब्रियो बन के यहाँ पर आएगा तो उसको रहना भी तो है तो उसके रहने की जो जगह है वो ये है दिस इज़ दी यूट्रस वाला हिस्सा ठीक है ये है ओवीडक्ट है ना दिस ट्यूब इज़ ओवीडक्ट या फेलोपियन ट्यूब और ये जो है दिस इज यूट्रस वाला हिस्सा तो यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग है ये हैवी ब्लड वेसल से या कैपिलरीज से अपने आप को तैयार करता है बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज यहां पर रेडी होता है कितने दिन में यानी वही 28 दिन के लिए ये रेडी हुआ है कि अगर चांस यहाँ पर कोई स्पॉम आया और फिर वो स्पॉम को आ, मतलब फर्टिलाइज होकर जब वो एम्ब्रियो बना भी या जाएगोड बन के वो यहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्म में आया भी तो उसको यहाँ पर अटैच होना पड़ेगा कहीं पे इधर अटैच होना पड़ेगा और ताकि फिर तब जाके आगे वो बेबी को नरिशमेंट और जो भी प्रोसेस हो मिलता रहेगा सो so, उस अट्ठाईस दिन के लिए रेडी हुआ है फिलहाल अगर मान लो कि वो आग मतलब अगर ऐसा हुआ तो फिर वो नौ महीने के लिए पूरा पूरा सिस्टम यहाँ रेडी होगा पर जब तक ये स्पॉम नहीं आ रहा तो उस पीरियड की बात कर रहा हूं व्हाट इफ द स्पॉम डोंट कम आप समझ रहे हो यहां पर फीमेल सिस्टम में दो चीजें हो रही है एक तो ओवलेशन भी हुआ है और दूसरा यहां पर ये जो इंटरनल वॉल भी रेडी हुआ है जो हैवी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है ये भी रेडी हुआ है सो व्हाट इज दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यूट्रस के अंदर जो अंदर ये डिसलाइक स्ट्रक्चर जो हैवी ब्लड वेसल का बना है दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन यहां पर हुआ है ठीक है अब क्या होगा कि अगर स्पर्म नहीं आया तो ये एग भी रप्चर होगा एग भी डैमेज होगा और यहां पर जो ये प्लेसेंटा ये जो पूरा ब्लड सिस्टम यहां जो बना है ये जो पूरा स्पॉन्जी लेयर बना है ये भी डैमेज होगा और उसमें से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा तो यानी फीमेल्स में हर 28 दिन में ठीक है अनलेस कोई बेबी या कुछ वोम यहाँ पर नहीं क्रिएट हुआ है तो हर 28 दिन में क्या होगा कि ये ब्लड फ्लो के साथ ये जो रपचर्ड एग है है ना उसका जो जो भी सेक्रीशन होगा वो सब यहां से बाहर एग्जिट करेगा तो ये चार से पांच दिन का एक जो प्रोसेस रहेगा जिसमें ब्लीडिंग होती रहेगी हर अट्ठाईस दिन मतलब हर लगभग हर महीने में ये जो है ब्लड फ्लो यहाँ पर होगा एंड दिस इज कॉल्ड मैंस्ट्रुएशन या फिर मैंस्ट्रुअल साइकिल जो आ, जब मतलब आप समझ सकते हो ना 12.5 या 12 ईयर के एज के आसपास से जब प्यूबर्टी शुरू हुई तो हर महीने का एक प्रोसेस जो है शुरू हुआ जो ये ब्लड फ्लो और ये रफचर्ड एग का जो आ, सेक्रीशन है वो शुरू हुआ और आ, which longs from that again uh, four to five or uh, four to six days. This is called menstrual flow ya menstrual uh, cycle. Or uh, ये समझ में आ रहा है आपके यहाँ पे ovulation के साथ साथ so ovulation is followed by menstruation. Menstrual cycle कब शुरू हुआ किस age में शुरू हुआ this that is called menarche. तो menstrual cycle का जो start है है ना अबाउट ट्वेल्व पॉइंट फाइव ईयर्स का जो एज में जो ये स्टार्ट हुआ दिस इज कॉल्ड मेनार्क। और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एज लिमिट एंड भी होता है तो इसका जब एंड होगा जब ओव्युलेशन भी बंद हो गया और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो गया दैट इज कॉल्ड मैनो पॉज मैनो पॉज ठीक है दबाउट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स ठीक है समटाइम्स फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव के आसपास में ठीक है तो ये मेन्स्ट्रोल साइकिल का जो स्टार्ट है इट इज कॉल्ड मेनार्क एंड जो एंड है उसको बोलते हैं मेनोपॉज तो यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है फीमेल की वो डिफाइंड है ठीक है कि वो इस एज से इस एज तक की वो रिप्रोडक्टिव लाइफ है इसी के बीच में वो कंसीव कर पाएगी फीमेल और जब अगर मेनोपॉज हो गया यानी अब जब मेंस्ट्रुएशन ओवलेशन ही बंद हो गया तो उसके बाद कंसीव नहीं कर पाएगी इसमें रीजन है तुम बोलोगे सर मेल्स में तो लाइफ लॉन्ग बुढ़ापे तक हो सकता है स्पॉम प्रोडक्शन यहां पर एक प्रोडक्शन क्यों रुक गया इसमें तो यही है पॉइंट यही है कि मेल्स को बच्चे को कैरी नहीं करना वो नाइन मंथ का वो जेस्टेशन पीरियड वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं करना इट इज वेरी डिमांडिंग फेज बॉडी को बहुत डिमांड करता है वो चीज ठीक है तो इसके लिए फीमेल को उतना स्ट्रांग उतना एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है इसलिए वो एक एज जो है जो अडल्टड का या जो वो एनर्जेटिक uh, एज जो होता है वो होना जरूरी है अगर कोई फीमेल मान लो साठ पैंसठ साल की हो गई उसके बाद वो कंसीव करेगी तो वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है ठीक है विच विच इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट ठीक है तो हमने यहाँ पर men, जो मैंटुएशन है वो भी डिस्कस कर लिया अब यहाँ पर अब मैंने यह बताया कि जब स्पर्म नहीं आया तो ये रप्चर हो रहा है तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है अगर स्पर्म आ गया तो क्या तो अगर मान लो कि यहां ओविलेशन का पीक टाइम है यहां पर स्पर्म आ गया और यानी कि वो कॉपिलेशन प्रोसेस हुआ बहुत सारे स्पर्म यहां से गए कुछ इधर से एंट्री मारे कुछ इधर से एंट्री मारे ठीक है आप इस चीज को नोट कर लो मैं इसको मिटाता हूं आगे हम वो भी देख लेते हैं ठीक है तो दिस इज फेलोपियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड ओवीडक्ट दिस इज यूट्रस ठीक है अब देख लो ये है स्पर्म ये उसका हेड है दिस इज दिडल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दैट इज अ टेल ठीक है देखो इसके ये जो स्पाइरल है दिस इज माइटोकॉन्ट्रिया दिस इज न्यूक्लियस है तो एक सेल ही ना सो so, हेड हो गया ये मिड पीस हो गया और ये हो गया टेल ओके okay? अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ओवम जो एग है वो उसका बेसिक मान लो यहां पर है यह स्पर्म जो है इधर जा रहा है फिर से देख लो एग इधर है स्पर्म गया एंट्री मारा और कुछ स्पर्म इधर से गए कुछ स्पर्म यहां से गए राइट अब जो उधर गए वो तो उनका तो उपट हो गया वही मरेंगे क्योंकि यहां पर तो कोई एग ओव्यूलेट हुआ ही नहीं है तो बेसिकली उनका तो उपट हो गया अब जो स्पर्म यहां पर आया और वो भी जो सबसे पहले आके यहां पर अटैच हुआ तो स्पर्म और ओवम का अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वो इधर नहीं होता वो एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब में हो रहा होता है तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो स्पॉम और एक जो जायोट बना है वही सेल डिवाइड करता हुआ मान लो कि यहां तक आते आते तो ऑलमोस्ट वो काफी डिवाइड हो चुका होगा सो दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको एम्ब्रियो है ना वो जयगोड जो है यहां पर कंबाइन हो गया तो बन गया वो डिवाइड होते होते यहां पर एम्ब्रियो बना अब जो ये एम्ब्रियो है मैंने बताया कि ये वो अटैच होगा इस प्लेसेंटा पे नाउ तुमको आता है कि गिव द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन क्या है कि वो जो फीटस uh, है फीटस कब बोलेंगे जब वो आगे एम्ब्रियो और ग्रो हो जाएगा बेबी के बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे तो उस भ्रूण या उसको फीटस कहा जाता है तो फीटस को नरिशमेंट देने का काम यानी खाना पीना सप्लाई करने का काम उसी प्लेसेंटा का होता है प्लेसेंटा उसको बेबी को फीड कर रहा है या फीटस को खाना सप्लाई कर रहा है और जो भी वेस्ट कलेक्शन भी जो बेबी से हो रहा है वो बॉडी में यहां पर जा रहा है तो बेबी कैसे कनेक्टेड होता है मतलब आपने देखा होगा ये नाभी है ना ये जो यहां पर हमारा बेली बटन है ये इसमें से एक पाइप रहती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही यहां पर फीमेल बॉडी से या मदर बॉडी से फीटस अटैच रहता है उसी से नरिशमेंट और वेस्ट का एक्सचेंज हो रहा होता है और सो बेसिकली द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू पहला प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द फीटस और दूसरा टू कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम द फीटस ठीक है ये प्लेसेंटा का फंक्शन हो गया अब मैंने बोला कि वो एम्ब्रियो यहां पर आके अटैच होता है प्लेसेंटा पे उस अटैचमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं कॉल्ड तुमको सवाल आता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन तुम ये मत बोला पेड़ लगाना पौधे लगाना इम्प्लांटेशन इज क्या है द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा एम्ब्रियो का प्लेसेंटा पे अटैच होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है इम्प्लांटेशन कहा जाता है सो so, यहां पर ये इम्प्लांट हुआ और ये ग्रो होके फीटस में डेवलप मतलब ग्रो होके प्रॉपर पहले तो फीटस बना है ना बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे उसके बाद पूरे नाइन मंथ के स्पैन में अच्छा वो जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड तो ह्यूमंस में वो कितना होता है नाइन मंथ का स्पैन होता है जिसमें वो पूरा डेवलप होता है और उसके बाद फिर बेबी का डिलीवरी होता है और अगेन दैट इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर अ फीमेल कितनी हड्डियों के टूटने के दर के बराबर वो होता है सो so बेसिकली uh, इस प्रोसेस से वो बेबी का पूरा डिलीवरी कंप्लीट होता है अब यहाँ पर ना आप वो एक साइकिल समझ लो एक छोटा सा लाइफ साइकिल समझ लो फीटल डेवलपमेंट का तो पहले फर्टिलाइज्ड एग जो है एक जायगोट से दो जाएगोट आ, दो में डिवाइड हुआ है ना सेल्स अब आगे डिवाइड लगे फोर सेल्स बना ठीक है एट सेल्स बना आगे जाके सोलह सेल्स बना पूरा सेल ब्लास्ट हुआ बहुत सारे उसमें सेल्स डेवलप हुए ठीक है मतलब वो एम्ब्रियो वाला स्टेज है उसके आगे देखो यहाँ पर फीटस बनना शुरू हुआ पाँच वीक्स में इसके बाद फिर ये फीटस और डेवलप हुआ टेन वीक्स का फीटस देख लो उसके बाद ये ट्वेंटी वीक्स का फीटस देख लो एंड देन इट इज़ फोर्टी वीक्स और फाइनली जो है पूरे नाइन मंथ ये स्पैन कंप्लीट होने के बाद ये जो बेबी है ये डिलीवर देखो अम्बिलिकल कॉर्ड से कैसे अटैच है तो हम सब इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं ठीक है तो एक टाइम पे हम भी कीड़े जैसे लगते थे ऐसे ओके सो द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड प्लेसेंटा एंटाइ हमने बोला कि नरिशमेंट भी यहां से मदर सेल से मिल रहा है और जो वेस्ट है वो यहीं से आगे जा रहा है ठीक है अब यहां पर बात आती है कि भाई ठीक है ये प्रोसेस तो समझा हमने पर अब इसमें इसके जो जोखिम है या इससे जुड़े हुए जो डिफिकल्टी जो चैलेंजेस है वो देख लेते हैं सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है तो सबसे पहली चीज तो यह कि शादी करने की सही एज क्या है ये एक सवाल होता है पीयर प्रेशर की वजह से या पेरेंट की प्रेशर की वजह से कोई जल्दी शादी कर लेता है कोई नहीं करता तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द राइट एज करेक्ट एज तो ऐसा वो नहीं है बंदा जो है जब खुद अपने आप को मेच्योर समझे जब अपने आप को वो समझे पैरों पे खड़ा हो गया है और वो आगे जाके लाइफ को अपनी फैमिली को संभाल सकता है उस साइकोलॉजी को संभाल सकता है एंड सिर्फ वही नहीं सबसे इंपॉर्टेंट तो वो जो फीमेल है दैट फीमेल जिनको बच्चा कंसीव रखना है और पूरा प्रोसेस और उसके बाद की ज़िंदगी जो है वो सब कुछ उस तरीके से जीनी है तो दैट वो पूरे कपल में फीमेल की, की जो आ, क्या बोलते हैं मेचोरिटी या अंडरस्टैंडिंग या आप ये कह सकते हो कि उनका एक्सेप्टेंस कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं अभी वो राइट एज है कि नहीं राइट टाइम है कि नहीं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और आ,

सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जिसको एस टी डी भी कहा जाता है ठीक है सो वॉट आर समी डी यहाँ पर देख लो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में एक है गनोरिया गनोरिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया ओके इसके बाद एक और है जो बा, आपका बैक्टीरियल में आता है सिफिलिस सिफिलिस यह देखो यहाँ पर एक तरह का स्किन आ, डिफेक्ट शुरू होना शुरू हो जाता है सिफिलिस इज ऑल्सो अ डिसीज विच इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ठीक है सेक्शुअल इंटरकोर्स में के थ्रू सिफिलिस भी जो है वो ट्रांसमिट किया हो सकता है तो बेसिकली ये दोनों बैक्टीरियल है इसके अलावा अगर हम एच आई वी एड्स की बात करें तो इट इज़ नॉट बैक्टीरियल इट इज वायरल एंड विच इज इट इज मच मोर डेंजरस ठीक है एसिडीज तो एच आई वी एड्स इज एड्स का फुल फॉर्म इज अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है कॉज बाय अ वायरस कॉल्ड ह्यूमन वायरस और आ, वैसे तो ये ब्लड के थ्रू भी फैलता है पर सेक्सुअल एक्ट के थ्रू भी फैलता है इंटरकोर्स के थ्रू भी फैलता है पर कैसे फैलता है अगर किसी पर्सन में अगर वो एच पॉजिटिव है मतलब उसकी बॉडी में एच के वायरस है और उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है हेल्दी पर्सन से हुआ तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो फैल सकता है तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेफ सेक्स एंड जेन्युन uh, पार्टनर के साथ में ऑब्वियसली एंड देन मूविंग टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर बेसिकली वो प्रिवेंटिव मेथड्स जिससे कि कुछ हद तक बीमारियां फैलने से रोकी जा सकती है और uh, काफी हद तक for, uh, मतलब मेजरली दिस इज फॉर मतलब प्रोटेक्टिंग दी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज करी जा सकती है सो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स इसमें कई मेथड्स हैं और अलग अलग फेजेस के लिए मतलब कुछ ऐसी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ऐसी फीमेल्स होंगी जिनको जिनके लिए कुछ ऐसे कपल होंगे जो नहीं चाहते कि शुरुआत के उनके एक साल या दो साल बच्चे हों पर वो दो साल बाद बच्चा करना चाहते हैं ठीक है कुछ ऐसे कपल होंगे जो जिनका एक बच्चा हो गया है तुरंत अभी हाल ही में हुआ है अब वो चाहते हैं कि अगले तीन साल तक हमको दूसरा बच्चा नहीं करना उसके बाद करना कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें कपल ये चाहते हैं कि हम हमको दो बच्चा चाहिए था वी हैव डन नाउ वी डोंट वांट एनी बेबी फर्दर वी तो वहां पर कंप्लीट जो है आ, अब वो शट डाउन करना है तो वो सबके केस में अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो काम आएगा तो मेथड ध्यान से देख लेना अब यहाँ एक है बैरियर मेथड जिसमें ये एक रबर जैसी एक या बलून जैसी एक बैरियर प्रोटेक्शन यूज किया जाता condom, है दैट इज कॉल्ड कॉन्डम ठीक है बैरियर मेथड उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिस इज आई यूसीडी तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है दिस इज बेसिकली कॉपर टी फीमेल बॉडी में इंसर्ट की जाती है दो से तीन साल तक के लिए जिससे कि क्या होगा कि वो प्रोसेस जो प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस है वो प्रिवेंट किया जा सकता है और हार्मोनल मेथड हार्मोनल चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि ओरल पिल्स होते हैं जो फीमेल कंज्यूम करे तो फिर इवन दो इफ शी इज हैविंग सेक्स और तो कुछ मतलब बाय दिस पिल्स वो हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड फिर वो कंज्यूव नहीं करेगी हालांकि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं एंड देन वी हैव सर्जरी मेथड जिसमें बताया इसे लास्ट मतलब इनकेस की अब कपल चाहता ही नहीं कि उनको बच्चे हों देव डन विद ऑल दो या तीन बच्चे जो भी हो गए सो so, वहाँ पर वो नर्सबंदी का ऑपरेशन कराएंगे ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश में ट्यूबेक टॉमी एंड वैसेक टॉमी तो वो देखेंगे अपन आगे सर्जिकल मेथड में ठीक है सो बैरियर मेथड में यू कैन सी टू क्रिएट बैरियर इन पाथवे ऑफ स्पर्म ठीक है इन द फीमेल सिस्टम तो यानी कि स्पर्म जो है वो मेल से फीमेल सिस्टम में ट्रांसफर ही ना हो तो उसके लिए मेल क्वांडम्स और फीमेल क्वांडम्स आते हैं ठीक है मेल क्वाडम्स ऑब्वियसली वोन ऑन द पेनिस ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स और वैसे ही फीमेल कॉन्डम्स होते हैं जो वेजाइना में इंसर्ट किए जा सकते हैं जिससे स्पॉम जो है वो उससे आगे बढ़े ना क्योंकि क्या है वो एक बैरियर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो स्पॉम जो है वहीं अटक जाएंगे ओके okay. इसके बाद है इंसर्टेड इन दिस टी कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये ठीक है आई यू सी डी इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने वाली ये डिवाइस होगी तो बेसिकली मान लो ये मान लो ये सर्विक्स है ऐसा कुछ है तो यहां पर ये कॉपर टी जो है वो इंसर्ट रखेंगे अंदर की तरफ से दिस इज दिनल पार्ट तो ये कॉपर जो है वो क्या करेगा कॉपर टी जो है वो क्या करेगा इट विल बी बेसिकली प्रोटेक्टिंग दैट प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होने देगा सो इंसर्शन इन द यूट्रस इट रिलीजेस कॉपर आयंस ठीक है टू रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पॉम ओके एंड कैन कॉज और इसका साइड इफेक्ट भी है इससे इरिटेशन भी हो सकती है और ये ऐसा नहीं कि दिस कैन बी इंसर्टेड बाय फीमेल हर सेल्फ बेसिकली ये डॉक्टर्स ही ये प्रोसेस करते हैं और मैंने वो बताया था ना अब देखो ओरल पिल्स और कॉन्डम्स ये कब यूज किए जा सकते हैं ओरल पिल्स और कॉन्डम्स कब यूज किए जा सकते हैं जैसे कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम दे डोन्ट वॉन्ट बेबी तो समझ समझो कि शादी की शुरुआती दिनों में दे डोंट वांट बेबी फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम है ना तो वो वाले स्पैन में वो ओरल पिल्स और कॉनम्स यूज कर सकते हैं है ना अब जब मैंने बताया कि एक सिचुएशन जहाँ पे इफ़ दे वांट अ गैप बिटवीन थ्री ईयर गैप बिटवीन टू टू बेबीज़ है ना ये अच्छा ये मतलब ऐसा है ये दोनों के लिए सही होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी कि जो पहला बच्चा है और जो दूसरा बच्चा है तो हर दो बच्चे के बीच में जो गैप है इट शुड नॉट बी लेस देन थ्री इयर्स। इससे मदर का हेल्थ भी सही रहता है और बच्चे का भी पहले वाले बच्चे को भी फीडिंग चाहिए ना। तो ऐसे में क्या होगा कि दिस कॉपर टी बेसिकली उस टाइम पे यूज़ की जाती है जहाँ पे वो दो साल तीन साल का जो गैप जब करना है सो देर द टी विल बी यूज और वो उतने स्पैन तक जो प्रेगनेंसी वो रोक सकती है हालांकि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं तो उसके लिए डॉक्टर के आ, को टाइमली विजिट करके और वो चीज़ को दिखाना ये बहुत जरूरी है सो नेक्स्ट इज एंटी प्रेगनेंसी ड्रग्स यानी कि कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स जो बेसिकली हॉर्मोनल चेंजेस लाते हैं ड्रग इन द फॉर्म ऑफ ओरल पिल्स है ना और चेंज हॉर्मोनल लेवल टू स्टॉप द इम्प्लान मे कॉज हारमोनल इम्बैलेंस दिस मे ऑल्सो कॉल कॉज हॉर्मोनल इम्बैलेंस यानी इसके भी अपने साइड इफेक्ट्स है तो ज़्यादा ये पिल्स भी सही नहीं है इसके बाद है सर्जिकल मेथड सो वेन यू सी दिस सर्जिकल मेथड तो यहां पर क्या किया जाता है बेसिकली अगर ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे नसबंदी बोलते हैं तो मेल और फीमेल में ये मत, मतलब अब जैसे हस्बैंड और वाइफ में इफ दे हैव डिसाइडेड कि हाँ उनका बेबी जो है जितना सीधा उनको हो चुका है अब दे वांट दैट परमानेंट क्लोजर तो या तो हस्बैंड ये ऑपरेशन कराए या तो वाइफ ये ऑपरेशन कराए ठीक है अगर हस्बैंड ये ऑपरेशन करा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी तो वैसेक्टॉमी मेल्स के केस में होता है क्या होता है इसमें जो डक्ट है जो वैस डिफरेंस है इसके लिए वैसेक्टॉमी नाम है उसको कट करके और उसको बांध दिया जाता है जिससे स्पोम आगे जाए ही ना तुम बोलोगे सर तो अगर स्पोम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा आगे स्पॉम प्रोड्यूस होगा तो ये टेस्टिस उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो वो जाए ही ना वहां पर ठीक है तो ये वाला पॉमनेंट मेथड जो है वो अपनाया जा सकता है इनकेस ऑफ मेल्स डिफरेंस को कट किया इसके लिए वैसे दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड दिफरेंस इज कट एंड ब्लॉक्ड ठीक है बाय सर्जरी टू स्टॉप स्पर्म अगर फीमेल ने ऑपरेशन हुआ है फीमेल ने ऑपरेशन किया है ठीक है uh, तो उसको क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड ट्यूबेक टॉमी क्यों ट्यूबेक टॉमी यू टर्म है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट को कट करके और टाई किया गया ठीक है थीके? तो अगेन टू प्रोटेक्ट कि भाई वो जाए ही ना यहां पर है ना कोई वो क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस ही ना हो सो फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड बाय द सर्जरी टू स्टॉप द ओवलेशन टू मीट स्पॉम ओके तो इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन पढ़ाई करते रहें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ और इसके अलावा कौन सी टॉपिक नेक्स्ट चाहिए आप बताते रहना बाय गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन